नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनबी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन के बाद आज ट्वीट कर देश दुनिया के निवेशकों को यूपी पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि निवेश महाकुंभ में उत्तर प्रदेश पर विश्वास जताने के लिए देश दुनिया के सभी सम्मानित निवेशक और उद्यमी बंधुओं का हार्दिक आभार। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अपनी नीतियों के अनुरूप आपके हित संरक्षण हेतु संकल्पित है। तो यही संभल से ही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद ने मौलाना के ओम और अल्लाह वाले बयान का विरोध किया है। सपा सांसद ने कहा कि ठीक है, वो जिसको मानते होंगे, हम तो अल्लाह को मानते हैं। मेरे ख्याल से मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं और हिंदू ओम को। हम अल्लाह के हैं और वो ओम के हैं, दोनों अलग अलग है। इस तरह के बयान से आपस में विवाद पैदा होगा। मेरे ख्याल से जो उन्होंने बात कही है वो सही नहीं है। तो बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी पर पलटवार किया। नंदकिशोर ने कहा कि मातृभूमि और अज्ञानता के चलते मौलाना कुतर्क दे रहे हैं। गुज्जर ने कहा कि मौलाना अपने बयान पर फौरन सभी धर्मों से माफी मांगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू और इस्लाम को लेकर ग्रंथों के प्रमाण के साथ शास्त्रार्थ करने की चुनौती भी दी। आपके द्वारा जो कहा गया है उस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है, कल भी मैंने समाचार चैनलों पर अपनी बात को कहा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को मानते हुए किसी अच्छे वातावरण में, वहाँ मीडिया के लोग भी रहें और ये सामने बैठ करके, क्योंकि मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, प्रमाण के साथ मैं भी, वो भी अपने तथ्य ले आए। दुनिया मानती है और ये बात प्रमाणिक है कि इस्लाम लगभग 1400 साल पुराना है और सनातन धर्म हिंदू धर्म करोड़ों साल पुराना है। उसी के सब जो निकल करके पंथ और मजहब बने हैं, ये बात सब मानते, तो इस बात का बैठ करके कहीं भी, जहां मदनी साहब कहें वहां बैठ करके बातचीत हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर मदनी साहब जीतेंगे तो उनकी बात मैं मान लूंगा और अगर हम जीतते हैं तो हमारी बात को मान ले, सबके साथ हम लोग बैठ लेंगे। प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध लगातार जारी है, जिसके चलते वाराणसी से सोनभद्र जाते वक्त कुछ लोगों ने उन पर स्याही फेंक दी। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग सपा महासचिव स्वामी प्रसाद के स्वागत में खड़े थे, जिनमें लोगों की भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने उन पर स्याही फेंक दी। हालांकि उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिस कर्मियों के चलते ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। माला लिए थे और स्याही भी रखे रहे होंगे, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय पुलिस को दबोच के पीछे ले गई। वो मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे लेकिन वो फेंकने की नौबत ही नहीं आई, पुलिस उनको घसीट ले गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान वरुण ने ग्राम बमरौली में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में वरुण ने आवारा पशुओं से परेशान किसानों की समस्या को उठाया। इसके साथ ही उन्होंने गन्ने का मूल्य निर्धारण न होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चीनी मिल किसानों का पैसा दबा कर बैठी हुई है, जिसके चलते 80% किसान कर्ज में डूब गए हैं। इस दौरान वरुण धर्म के मुद्दे पर भी बोलते नजर आए। धर्म का मतलब होता है गरीब के लिए रक्षा करना। धर्म का मतलब होता है अपनी माताओं और बहनों का सम्मान करना। धर्म का मतलब होता है किसान के हर पसीने की कीमत समझना। यही तो धर्म होता है। जब भगवान राम ने राजधर्म की बात की तो राजधर्म का मतलब था कि उनके पूरे व्यवस्था में, उनके पूरे राजकाज में यदि कोई अनाथ है, कोई अकेला है, कोई कमजोर है, किसी भी प्रकार के कष्ट में है, तो वो जिम्मेदारी
तो उधर हमीरपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारी को जान से मारने की कोशिश कर डाली। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी सुभाष सिंह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चेकिंग कर रहे थे, इस दौरान एक ट्रक ने उनको कुचलने की कोशिश की। गनीमत रही कि आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और उनको ज्यादा चोटें नहीं आई। वहीं इस घटना के बाद से ही पुलिस ने ट्रक चालक पर FIR दर्ज कर 13 अन्य ओवरलोड ट्रकों पर भी कार्रवाई की। वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। मथुरा के कोतवाली इलाके से हथियार लहराते चार युवकों का वीडियो सामने आया है। वही मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक गाड़ी में सवार चार युवकों द्वारा हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के चार युवकों द्वारा एक गाड़ी में चलती हुई अवैध असलहे से प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जिसके संबंध में उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए चारों युवकों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से वो अवैध शस्त्र भी बरामद किया गया है। सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो बरेली जिले में बिथरी के पूर्णापुर में पुलिस ने दो गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की दबिश के दौरान दोनों तस्कर मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों को धर दबोचा। इस दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। गौकशी को रोकने और उसको नियंत्रण करने के लिए प्रभावी फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त की जा रही थी। तो तकरीबन सुबह 4:30 बजे पूर्णापुर मोड़ पर तीन व्यक्ति जो कि एक गाय को खींच कर ले जा रहे थे, उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा नज़दीक से नज़दीक पहुँच कर उन व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की गई और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए दो व्यक्ति उसमें से फरार हो गए और एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है। तो उधर हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वारदात के दौरान मासूम के माता पिता खेत पर काम कर रहे थे, इसी बीच पड़ोस में रहने वाले शख्स ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इसकी भनक लगते ही परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका एक कदर नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में ज्ञात हुआ है कि शायद अन्य अपराधों में भी कभी जेल गया है, वो अपने घर के ठीक सामने जो रहते हैं, कल रात में उनके घर में कूद गया था, उनकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बड़ी बेटी के जागने पर भाग गया था। अभी वो पंजीकृत किया गया, वो उसकी तलाश की गई, वह हिरासत में लिया गया। तो हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 34 पर हुआ। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हमीरपुर जा रहे थे डॉक्टर के पास, साथ से हम लोग थे। ट्रक वाला एकदम एक आगे ट्रक था, उसने तुरंत क्रॉस किया बीच वाले ने, सीधे बढ़ा दी। अरे हम यहाँ प्लांट में काम कर रहे थे तो एकदम आवाज़ आई तो हम तुरंत आए हैं दौड़ के। इसके बाद जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ये गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसके बाद 2 आदमी जो और थे, तो एक के हल्की चोट है और एक जो पीछे वाला था उसको भी बहुत ज़्यादा चोट है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ।